वाई डू आई गेन नॉलेज वाई डू वी गॉलेज हम नॉलेज हासिल क्यों करते हैं टू टेक आर सेल्वस आउट ऑफ डार्कनेस राइट अपने आप को अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेके ले आना जहालत से निकाल के गुमराही से निकाल के अल्लाह के नूर की तरफ लेके आना सो इट इज़ टू इम्प्लीमेंट ऑन आर सेल्व्स एंड टू एवॉयड सेंस राइट नॉलेज का ये मकसद है बट कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नॉलेज हासिल करने के बाद फ़ौर से आर्ग्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं बहस मुबा से तो ये बात याद रखें कि की बोर्ड जहादिस्ट बनना या आपस में बहस करना आपस में डिबेट्स करना दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ नॉलेज अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स इन एनी पॉसिबल वे येस दे वर उलमा इबन तमाम मुनीफ़ और राय दे वर वेरी एलिक्वेंट इन आर्ग्यूमेंट्स बट उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना वो थे और उन्होंने अपना ज़िंदगी का एक मेजर से भी ज़्यादा पोर्शन इल्म के लिए सेपरेट किया हुआ था और वो hikmat के तहत जहाँ पे जरूरी समझते वह करते थे और वो भी जिंदगी का बहुत थोड़ा पोर्शन था उनका बट वी एज मुस्लिम और वो मोटिवेशनल स्पीकर्स और पीपल लाइक अस जो भी दीन सीख रहे हैं अभी पढ़ना शुरू किए हमने और जो दीन के अंदर जाना चाह रहे हैं वही शुड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एट ऑल याद रखिए हिम्मत अल अमल वह हिम्मत जाहिल अरिबाया एक आलिम की की एफर्ट क्या होती है कि वो अमल करें और एक जाहिल की एफर्ट क्या होती है कि वो डिबेट्स करें आर्ग्यूमेंट्स करें अब्दुल्ल अपने मुबारक रहा ने कहा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड इट फ्रूट्स उसके हवाले के मुताबिक कहा कि जब अल्लाह सुबहान किसी इंसान से खैर का इरादा करते हैं उसके लिए अमल का दरवाज़ा खोल देते हैं और जदल यानी आर्गुमेंटेशन और डिबेट्स का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और जब अल्लाह सुबह किसी से शर का इरादा करते हैं तो उसके लिए आर्गुमेंटेशन का बहस मुबाशों का दरवाज़ा खोल देते हैं और अमल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं अल्लाह शमत उसके लिए फिर बहस मुबा उसका रिप्लाई फला का रिप्लाई और वो वो सब चलने शुरू हो जाता है लेसन क्या है मैं और आप देखें कि मैं और आप किन लोगों में से हैं हम अपने जब टीचर्स को देखते हैं वर वेरी दे दूस टू अवॉयड आर्ग्यूमेंट्स दूस टू अवॉइड डिबेट्स एंड बी फ्राम द पीपल जो इल्म सीखें और उस पर अमल करें हर किसी को जब नया नया इल ना और जो नया नया इंसान होता है वो समझता है मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आ गया है मैं बहुत बड़ा कुछ पत्नी कुछ बन गया हूँ द फर्स्ट टेप ऑफ नॉलेज इज़ इग्नोरेंस राइटोरेंस इन रिगार्ड्स टू कि मुझे डिबेट्स करनी नहीं करनी हेकमत की कमी होती तो बहस, है तो इंसान हर किसी से बहस मुबहस से फ़लाकदीस आई जस्ट टू प्रूव अदर पर्सन रॉन्ग ये उसका मकसद होता है इमाम मालय के पास एक तो शख्स आया और कहा कि ओके प्लीज़ डिबेट विद मी इफ यू वेन आई विल एक्सेप्ट योर रिलीजन यानी योर फिक एंड इफ आई वेन यू विल एक्सेप्ट माई प्रसप्शन ऑफ नॉलेज तो इमाम मालिक रहा ने कहा कि ओके वाट अबाउट अगर कोई तीसरा शख्स आए और अगर वो हम दोनों से जीत जाए तो उसने कहा फिर हम दोनों उसके दिन को फॉलो करने शुरू हो जाएंगे तो यानी अगर आप जीते तो आपके दिन को मैं जीते तो मेरे दिन को अगर कोई तीसरा शख्स आ गया तो उसके दिन को तो मामलिक ने कहा कि यू आर अ पर्सन हुज नॉलेज इज़ शन इज़ शेकी एंड आई एम अ इज़ सर्टन हुटन मुझे यकीन है मुझे इतमान अपने दीन पे कि मैं अलहमद लाआन व सुन्नत पर हक़ पे हूँ सो गो एंड फाइंड अ परसन हु इज़ कन्फ्यूज लाइक यू क्या कमाल के उन्हें स्टेटमेंट दी और हम लोग अपने दीन को अपने इल्म को साबित uh, करने के लिए हम ऐसी डिबेट्स को फॉरन से पिकअप करते हैं इवन मार्क टोइन जो कि एक है और है उसने कहा कि नेवर आर्ग्यू इन ईडियट दे विल ड्रैग यू डाउन टू देयर लेवल एंड बीच यू विद एक्सपीरियंस